सब्सक्राइब कीजिए मामा नोहम को, बेल आइकन को दबाइए यूनिक रेसिपी, प्रोडक्ट रिव्यू और व्लॉग को सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है मेरे चैनल मामा नोहम पे। मैं पिंकी फिर लेके आई हूँ एक नई रेसिपी और मेरी रेसिपी का नाम है अरबी की सूखी सब्जी। मेरी सामग्री में है अरबी, ये मैंने उबाल ली है, इसके अलावा नींबू, आधा इंच अदरक कद्दूकस किया हुआ, लहसुन की 6-7 कलियां, इसको हम मोम दस्ते में कूट लेंगे या चाहे तो हम पेस्ट भी बना सकते हैं पीस के। 2 टमाटर बारीक काटे हुए, ये कड़ी पत्ता है, चाहे तो आप इसकी जगह धनिया पत्ता भी यूज कर सकते हैं। तड़का लगाने के लिए जीरा और थोड़ा सा राई, दोनों का तड़का लगाना है। तो सबसे पहले हम अरबी को छील लेंगे। अरबी मैंने छील ली है, अब अरबी को क्या करना है, अरबी को हम फ्राई करेंगे फ्राई पैन में। जो अरबी है इसको हथेलियों के बीच में दबा लेना है, मैं बताती हूँ कैसे। अरबी लेंगे, इसको हथेलियों के बीच में रखेंगे, इसको हल्का सा प्रेस कर देंगे, ये टिक्की के शेप जैसा आ जाएगा, तो इसको हम फ्राई करने के लिए डाल देंगे। इसको हम पलट देंगे, ये गोल्डन हो गए, इसको हम निकाल लेंगे। चूल्हे पे हम कढ़ाई बैठाएंगे, उसमें थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, तेल हमारा गरम हो गया, इसमें डालूंगी मैं कुछ राई के दाने और थोड़ा सा जीरा, आइए कड़ी पत्ता, लहसुन, लहसुन जलना नहीं चाहिए। अब इसमें हम ऐड करेंगे कुटा हुआ अदरक, बारीक कटा हुआ टमाटर, अब इसको हम थोड़ी देर के लिए ढक देंगे ताकि हमारे टमाटर पक जाए, इसे कुछ सेकंड के बाद चेक करेंगे। इसको हम चेक करेंगे, टमाटर थोड़ा पक गया है, अब इसमें हम मसाले ऐड करेंगे। सबसे पहले हम डालेंगे 1/4 चम्मच से नमक स्वाद अनुसार, लाल मिर्च पाउडर 1 चम्मच, धनिया पाउडर 2 चम्मच, हल्दी पाउडर भी 1 चम्मच, और गरम मसाला 1/2 चम्मच। अब मसाले हम इसमें थोड़ा सा भून लेंगे, इसे अब बिल्कुल थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि मसाले जले ना।
ढक देंगे, कुछ देर के बाद चेक करेंगे। मसाला हमारा पक गया है, अब इसमें हम अरवी ऐड करेंगे। ये अरवी की सूखी सब्जी पराठे के साथ, दाल चावल के साथ बहुत टेस्टी लगती है। इसमें पानी नहीं डलेगा, ये ऐसी ही सूखी बनती है। मिक्स कर देंगे ताकि इसमें मसाला लग जाए। थोड़ा सा ढक देते हैं इसको। सब्जी हमारी तैयार है, अब लास्ट में क्या करना है आपको बताती हूँ मैं अभी। इसमें हम डालेंगे लेमन जूस। लेमन जूस हम इसमें इसलिए डालेंगे, जो अरवी की जो प्रकृति होती है वो खुजली वाली होती है, तो लेमन जूस डालने से वो खुजली हट जाती है, गले में इचिंग नहीं होगी। और इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे और गैस बंद करेंगे। तैयार है अरबी की सूखी सब्जी। ये रेसिपी आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके बताएं। मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। आपको मिलती हूँ अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।